नमस्कार। नेट थ्रेड पर आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा व्यंग और हास्य नाटक जिसे देखकर आप गुदगुदाएंगे तो सही, उसके साथ बहुत आनंद भी लेंगे। नेट थ्रेड की इस प्रस्तुति में मनोज स्वामी द्वारा निर्देशित और विष्णु शर्मा द्वारा निर्देशित नाटक नीरज शर्मा द्वारा लिखित नाटक इंडियन वाइफ वर्सेज यमदूत की प्रस्तुति आपको देखने को मिलेगी। मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि जब आप नाटक देखें तो इसको लाइक जरूर करें, जिससे इसे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देख सकें। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक इंडियन वाइफ वर्सेज यमदूत। हम हैं यम, जहां भी पहुंचते हैं तो निकाल देते हैं दम, क्योंकि हम हैं यम। पर वो क्या है कि हमारा विकल है ना, ऐसा है तो मैंने एचआर को बोला था कि भाई हमें ना कोई दूसरा वाहन दे दो। वैसे हमारे एप्लीकेशन में हवाई जहाज लिखी हुई है, हाँ हवाई जहाज प्रोवाइड करवाने का, परंतु नहीं दिया है चार्ज और कहा कि बाहर वाहन खड़े हुए हैं उन्हें ले जाओ। कोई बात नहीं, सिर्फ एक वाहन था, वो पुराना सा लेमरेटा, बस उसको लेकर आनंद आनंद में आ गए और एचआर कह रहा था भाई यार टारगेट पूरे होने करेंगे, क्योंकि हम हैं यम, पहुंचते तो निकाल देते हैं दम। क्यों हिल रहा है हमारा बम? ये हेलो, यस बॉस, हाँ हाँ मैं क्लाइंट के पास पहुंच गया हूँ जी, हाँ अभी अभी पहुंचाऊंगा वो, हाँ वो, हाँ क्लाइंट सो रहा है सर। हाँ इसको सोते हुए तो ले आऊंगे सर। सॉरी सर, जगह के हाँ अब रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, आज सारे टारगेट पूरे कर दूंगा सर। हाँ हाँ कर दूंगा, बस ऊपर बैठे हुक्म देते रहते हैं। हाँ कभी मार्केट में आकर देखो। ओहो हाँ, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। इन्हें देखो कैसे खराटे भर रहे हैं। हम हयम, निकाल देंगे दम। उठो बालक, हम तुम्हें लेने आए हैं। उठो बालक, हम तुम्हें लेने आए हैं। बड़ी भयभीत आत्मा है। उठा बालक। अरे क्या लगा रखा है, दिमाग खराब कर दिया। सुबह बीवी सोने नहीं देती, दोपहर में सरकार सोने नहीं देती, अब रात का कमबख्त पड़ा थी। क्या है? चलो कहाँ? ऊपर। क्या हुआ? ऊपर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? और ऊपर मेरी बीवी सो रही है, और यार वो जब सोती है तो उसके पास कोई नहीं जा सकता। हम हयम, निकाल लेंगे तुम, हम कहीं भी जा सकते हैं, पर अभी उसका समय नहीं हुआ, अभी तुम्हारा समय है, जल्दी आओ बालक। हाँ आओ बालक, तुम हमें जानते नहीं। मैं तुम्हें नहीं जानता। पहली बात तो ये कि ये मेरा घर है,
के मत करो। और तीसरी बात ये, अरे बहुत मतलब क्या लगा रखा है, अरे 40 साल का हो गया हूं मैं, दो बच्चों का बाप बन चुका हूं, अब तुम्हारी उम्र मुझसे अधिक नहीं लगती, तुम तो अभी खुद ही बच्चे लगते हो, फिर बालक बालक क्या लगा रखा है, अरे बालक बराबर में आगे बात करो। अरे बालक हम इस लोक के नहीं है। अच्छा? हाँ हम उस लोक के हैं। किस लोक के? तुम किसी भी लोक के हो? दो बजे रात को, रात के 2 बजे ना मैं अपनी बीवी को नहीं पहचान पाता तो तुम्हें कैसे पहचानूंगा। अरे फिर सो गए बालक? बालक बालक I am coming from universe, समझे? No, no understand in English. Oh my God, very poor. बाप न मारी मिंड की और बेटा तीरंदाज। डोंट समझी? नहीं नहीं समझ नहीं आया। अब यस से मारवाड़ी इन्हें समझ में नहीं आती और ये चाहते हैं कि इनकी अंग्रेजी हम समझ लें। अब बताओ कौन पुअर, कौन पुअर? यू। बात करनी है तो हिंदी में कर लो, नहीं तो ऐसा करना व्हाट्सएप कर देना, मैं सुबह उठ के जवाब दे दूंगा। यम है हम। मैंने कितनी बार कहा था, अरे सैलरी चाहे कम दे देना पर किसी पुराने अकाउंट के पास भेजना, पर नहीं, भेज दिया मुझे यहाँ इंडिया में। अरे रूस, लंदन, जापान, कहीं भी भेज देते। वो लोग क्या है, एक्चुअली अपना अकाउंट खुद खुलवा रहे हैं इसलिए और भेजा है यहाँ। अरे इन्हें देखो कैसे मास्क लगा के खड़े हैं। और दूसरा, ये हमेशा ग्लोई पीते रहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज, पता नहीं क्या क्या कर रहे। अरे मरना ही नहीं चाहता इंडिया वाला तो। तुम्हें ना, तुम ज्यादा उपवास मत करो। हाँ तुम हमें पहचान नहीं रहे हो क्या? हम कौन है? अरे हम है यम, निकाल देंगे तुम। मैं कैसे मान लू तुम यमराज? अरे यार एचआर को कहा था मेरा आइडेंटिटी कार्ड बना दो पर कह रहा था नहीं अभी प्रोसेसिंग में है। सिर्फ मालूम है क्या ये दिया है, ये फोल्डर। तो आप है? पहले बता देते, इंट्रोडक्शन दिया नहीं तो चालू हो गए। एक बात सुनो, मैं ना अपनी बीवी से बिना पूछे तो रात को बाथरूम तक नहीं जाता, तो आपके साथ कैसे चलूंगा? प्लीज मैं पूछे तो फिर चलते। मैं तुझे कोई पिकनिक बनाने ले जा रहा हूँ। धीरे बोलो धीरे। क्यों? अरे आप ना दिन में 2 बार योगा किया करो और ना थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी सीख लो। अच्छा? हाँ हाँ, जिससे आपके हर जगह गुस्सा नहीं करोगे, गुस्सा शांत रहेगा। मैं सिखाता हूँ, करो सांस लो। अरे ये तो राम बाबा करता है ना? वो गलत करता है, मैं सही कर रहा हूँ। ऐसे करो, सांस छोड़ दो, सांस लो, सांस छोड़ दो, सांस लो। अब मेरा समय बर्बाद मत कर, अभी और भी क्लाइंट के पास जाना है, टारगेट पूरा करना है। चलो शादी हुई क्या? नहीं अभी तो जो भी फिक्स नहीं है। अरे इतनी देर से बोल रहा हूँ, धीरे बोलो धीरे बोलो, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही आपके। अब उठ गए ना, अब आप तो यहाँ से चले जाओगे। अरे वो रात भर मुझे भजन सुनाएगी। अरे तो करना क्या है, बोल ना। चल मेरे साथ। चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ। छुपम छुपी का खेल हमें आती है प्रिय, चुप जाओ। थप्पी। ये भी हम इधर ही तो हैं।
मेरी तरफ। तुम्हारी तरफ वाला कौन सा है? मेरी तरफ वाला इधर है। तुम्हारी तरफ वाले तो है इधर वाला है आपका? नहीं, वो माँ सर नहीं आती हमारे साथ, हम अकेले ही आते हैं। माँ से दोस्त है तुम्हारे? मैं लेट हो रहा हूँ देवी, चलिए तुम्हारे पति को भेजिए। तुम्हारे पति का अभी है ना समय चल रहा है, मुझे अंतिम समय। और तुम चल 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 क्या है? मेरे आगे से जाने की हिम्मत? सॉरी सॉरी सॉरी, जो ये ना हमारे मेहमान हैं और अगर इनके कुछ हो गया तो लोग तो ये समझेंगे ना कि हमारे घर में कोरोना फैल गया है। टारगेट पूरे करने हैं, बहुत लड़ेगा मुझे, जाने दो मुझे। इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? अरे इंसान थोड़ी है तो इंसानियत रखेंगे। देवी मुझे आप
जॉब पे जॉब ऑफर कर रही है, मेरी पुरानी जॉब भी मुझसे नहीं संभल रही और तुम मुझे जॉब ऑफर कर रही हो, मुझे नहीं चाहिए, अब तुम्हारे पति को भेजो ना। आपको यही दिखता है ना कि आपको काम नहीं आता, आप झाड़ू पोछा कैसे करोगे? हाँ। है ना, मैं सिखाऊंगी आपको, मैं खुद और सैलरी भी आज से शुरू कर दूंगी। देवी हम यंग है, यंग। हाँ। आपकी बात सुनेंगे ना, देखिए आप कितने अच्छे है ना, देखिए आप कितने स्मार्ट लग रहे हैं और आप में से ना कितनी अच्छी खुशबू भी आती है। पर यमलोक में तो कहते हैं मेरे में भैंस कैसी खुशबू आती है, वो गलत है, ये सही है। हाँ सही है ना, कोई बात ये तो अच्छा। सुनो ये रस्सी पकड़ो, बच्चों के कपड़े सुखाने के लिए पकड़ो, खोलो 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 इसे खोलो। देवी उधर देवी, अगर ये अगर हम लेकर आती हूँ सुखाने के लिए। अरे देवी पर अगर ये रहेगा तो हम, अरे आप चुप करो अपना काम करो। अरे देवी मैं, देवी ये पकड़ो वहां से, वो तो मुझे वो तो वो तो इसे ऐसे डालते हैं और ऐसे लगाते हैं। चलो करो जब तक मैं दूसरा काम लेकर आती हूँ, सुनते हो? अजी मुझे प्याज ला कर दो। लाया। ऐसे लगाते हैं? ये क्या कर रखा है यहाँ पे? वो देवी सब निकाल दिया। अरे देवी वो मुझे कुछ नहीं आता। जल्दी जल्दी करो चलो। ओ ये लो अभी तक देवी बैठ। हमें जाना है, हमें टारगेट पूरा करना है, वरना हमारा एचआर है ना, एचआर एचआर हमें प्यास है, ये चाकू इसे ऐसे काटते हैं, छिलका अलग निकाल के रखना और प्याज एकदम बारीक होने चाहिए और एक भी छोटा सा भी छिलके का कचरा इसमें नहीं आना चाहिए। काटो जल्दी जब तक मैं दूसरा काम लेकर आती हूँ। अरे देवी पर यम है, हम निकाल देते हैं दम।